सभी दर्शकों का स्वागत है। अंबाझरी जंगल में लगी आग पर हाईकोर्ट का स्वयं संज्ञान। अंबाझरी जंगल में संरक्षित वन क्षेत्र में 26 मई की आधी रात को लगी आग को लेकर समाचार पत्रों में छपी खबरों के आधार पर इसे जनहित के रूप में स्वीकार करते हुए मंगलवार को न्यायाधीश रविवार देश पांडे और न्यायाधीश विनय जोशी ने इस तरह से शहरों के आसपास स्थित संरक्षित वन क्षेत्र में आग न लगे इस संदर्भ में क्या उपाय किया जा सकता है इसे लेकर दो सप्ताह में रिपोर्ट देने के आदेश वन विभाग को दिए। परिसर में स्थित एक इमारत की छठवीं मंजिल पर रहने वाले किरण पाटिल नामक व्यक्ति द्वारा आग दिखते ही घटनास्थल पर पहुंचे थे। इसी दौरान अग्निशमन विभाग के दो फायर ट्रेंडर भी आग बुझाने पहुंच तो गए, लेकिन संरक्षित क्षेत्र होने से चारों ओर से परिसर बंद होने के कारण और परिसर में प्रवेश के कुछ ही मार्गों होने से वाहन भीतर नहीं जा पा रहे थे। चीन की सिचुआन में 6 तीव्रता का भूकंप, 17 की मौत, 122 जख्मी। चीन की सिचुआन प्रांत में आए भूकंप के दो झटकों में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 122 लोग घायल हो गए। युबिन शहर में सोमवार रात 10:55 पहली बार 6 तीव्रता का भूकंप आया, वही 5.3 तीव्रता के साथ दूसरा झटका मंगलवार सुबह आया। प्रांतीय राजधानी चेंगदू ने चेतावनी प्रणाली में भूकंप आने से 1 मिनट पहले लोगों को सतर्क किया। अंडमान में मंगलवार सुबह 3:49 पर भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.9 आकी गई है। फिलहाल जानमान के नुकसान की कोई खबर नहीं है। कुछ समय से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में भूकंप के काफी झटके महसूस किए जा रहे हैं। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।